हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी स्पेस सेविंग आइडियाज एंड हैक्स, जिसके हेल्प से हम किचन में अपने स्टोरेज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर हम कैबिनेट में बॉटल्स को रखते हैं, एक तो एक्सेस करना डिफिकल्ट होता है, ऊपर से अगर हमारी बॉटल कैबिनेट से बड़ी हो तो उसको रखने में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो बॉटल्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज रखने के लिए वुड का ये वाइन रैक हम ले सकते हैं। मेरे पास ये 5 बॉटल रैक है, लेकिन आपके पास बॉटल ज्यादा है तो आप बड़ा वाला रैक ले सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल रैक है, आप अपने कैबिनेट के साइज के अकॉर्डिंगली इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये इजिली कोई भी कैबिनेट में आ जाएगा। अब सारी बॉटल्स को रख लीजिए, आराम से एक्सेसिबल होगा, बड़ी बॉटल्स भी आसानी से यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो जाएगी। काउंटरटॉप के कॉर्नर को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये 3-टायर आयरन रैक आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। यूजुअली हम जब ये वाला ऑर्गेनाइजर लेते थे तो इसके नीचे आपने देखा होगा कि नीचे का ट्रे नहीं रहता था, लेकिन ये वाले ऑर्गेनाइजर में आपको नीचे में भी ट्रे मिलेगा, तो आसानी से चीजें आप ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। तो आप जैसा आपको नीड हो उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें चीजों को रखिए। जैसे कि बीच वाले रैक में आप स्पाइस जार्स को रख सकते हैं, और ऊपर वाले रैक में आप ऑयल बॉटल्स और जितने भी सॉस बॉटल्स है या ब्रेकफास्ट रिलेटेड जो भी चीजें आप यूज करते हैं उनको आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने मसाले के बॉक्स को भी यहाँ पे रख सकते हैं। और चीजों के साथ साथ यहाँ पे आप प्लेट भी रख सकते हैं, और अपना चकला और बेलन को भी इसमें रख सकते हैं। एक ही ऑर्गेनाइजर में आपको 3 टायर्स मिल जाएंगे, जिसमें आप बहुत सारी चीजों को एक ही कॉर्नर में ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। इससे आपका काम भी इजी हो जाएगा। फ्रिज में रखी हुई बॉटल्स जब भी हम फ्रिज ओपन करते हैं तो बार बार इस तरह से गिर जाती है, और उन्हें हमें हर बार इसे उठा के फिर से रखना पड़ता है। तो ये अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे इसके लिए आप इस तरह के क्लिप्स को यूज कर सकते हैं। बस हमें इन क्लिप्स को हर बॉटल के बाद में इस तरह से लगा देना है। अब कोई भी बॉटल्स हो आपकी फ्रिज के डोर में तो वो बार बार गिरेगी नहीं और आपका काम बार बार बढ़ेगा नहीं। तो बस हर बॉटल के बाद आप इस तरह से क्लिप को लगा दें। इन्हें आप सरका भी सकते हैं आपकी बॉटल के साइज के अकॉर्डिंग। अब जब भी आप डोर को ओपन करोगी, डोर कितना भी हिले बॉटल्स बिल्कुल भी अपनी जगह से इधर से उधर नहीं होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो मैंने अपने फ्रिज के डोर में सारी बॉटल्स को इन डिवाइडर्स क्लिप की हेल्प से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। अब मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। अब इन क्लिप्स को आप अपने पुल आउट ट्रे में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप फ्रिज में बॉटल्स को नहीं रखते हैं, पुल आउट ट्रे में रखते हैं, तो वहां भी आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगेन क्लिप्स सारी बॉटल्स को होल्ड करके रखेंगी, जब भी आप ट्रॉली को बाहर निकालोगे बॉटल्स इधर से उधर नहीं गिरेगी। कैबिनेट्स में हम नीचे तो सारी चीजें रखते हैं, लेकिन वर्टिकली काफी स्पेस हमारा वेस्ट हो जाता है। तो वर्टिकली आप स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए उसके लिए आपको इस तरह के बास्केट चाहिए होंगे, जिसमें होल्स होते हैं। बस आप 2 हुक की हेल्प से इन बास्केट को आप अपने कैबिनेट वॉल्स में हैंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 हुक्स को यूज कर रही हूँ, और बस एक बास्केट को मैं लूंगी और इसमें हैंग कर दूंगी। तो ये आपको मिल गया है एक अच्छा एक्स्ट्रा स्टोरेज, जहाँ पे आप अपने निक नैक चीजों को रख सकते हैं, जैसे कि हुक्स हो गया या रबर बैंड्स हो गए, या हमारे पास बहुत सारे सैशेज होते हैं उनको आप इस बास्केट में रख सकते हैं। मैंने कैबिनेट का साइड वॉल यूज करके दिखाया है, अब बैक साइड वाला वॉल भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो इस कैबिनेट में आपने देखा होगा कि मैंने हर एक स्पेस को यूटिलाइज करने की कोशिश की है, यहाँ तक कि कैबिनेट डोर को भी। तो इस तरह से छोटा मोटा जुगाड़ करके, छोटे छोटे हुक्स को यूज करके, बास्केट को यूज करके आप कैबिनेट में एक्स्ट्रा स्टोरेज बना सकते हैं। आप अगर काउंटर्स पे ऑयल डिस्पेंसर्स रखते हैं, आप चाहते हैं कि आपको काउंटर में और ज्यादा स्पेस मिले, तो इन बॉटल्स को आप यहाँ से काउंटर से हटा लीजिए। आप यूज कीजिए इस तरह का कैंडी, जो कि आपके कैबिनेट डोर में आसानी से हैंग हो जाएगा। आप बस अपने सारे ऑयल डिस्पेंसर्स को आप इसमें रख सकते हैं और आपका काउंटर हो जाएगा एकदम फ्री।
चलिए कुछ और एक्स्ट्रा स्पेस हम बनाते हैं अपने स्टोरेज के लिए। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ फ्रिज। फ्रिज में अगेन आप एक एडहेसिव हुक को यूज कर लीजिए। इस तरह के बास्केट आपको मिल जाएंगे रोड साइड में या डीमार्ट से, आप उसको यूज कीजिए। अब बस आपके लिए एक एक्स्ट्रा स्टोरेज बन गया, जो चाहे आप इसमें रख सकते हैं, चाहे तो एक से ज्यादा बास्केट भी यूज कर लीजिए। गार्बेज बैग को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैस फैला देते हैं, तो इसके लिए आप ये वाला बैग को यूज कर सकते हैं। इन बैग्स को या तो आप अपने यूटिलिटी एरिया में हैंग कर दें, या तो आप सिंक में जो आपका कैबिनेट है उसमें हुक को यूज करके आप इसे हैंग कर सकते हैं। और देखिए इस तरह से आपको अपने गार्बेज बैग को रख देना है और इजी हो जाएगा आपको पुल आउट करना अब जब भी आपको बैग की जरूरत हो। एक बैग तो मैंने लिया है गार्बेज बैग को रखने के लिए और दूसरा बैग मैंने लिया है एक्स्ट्रा जो पॉलिथिन्स वगैरह आती है हमारी उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो इस तरह से हमें पता है कि इन दोनों बैग में ही हमारे सारे पॉलिथिन्स ऑर्गेनाइज्ड है रखे हुए हैं, तो हमें इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हैक मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने लास्ट वीडियोस में, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है। तो आप एक्स्ट्रा स्पेस के लिए या एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए ये डबल साइडेड टेप को यूज कर सकते हैं। इनको आप लगा दीजिए अपने वॉल्स में, किचन वॉल्स में, इस तरह से ये बिल्कुल भी दिखेंगे नहीं। अब बस आपको स्टिक कर देना है अपने यूटेंसिल्स को। देखिए इस तरह से आप अपने सारे जो स्पून से उनको इस तरह से लगा सकते हैं, तो ये आपके एक्स्ट्रा स्टोरेज भी नहीं लेगा, इजीली आपके वॉल्स में हैंग रहेगा और दिखेगा भी नहीं कि ये कहाँ पे हैंग है। और जब आपको यूज करना हो बस आप यहाँ से निकाल लीजिए और वापस स्टिक कर दीजिए। सेम डबल साइडेड टेप आप यूज कर सकते हैं अपने रोल्स को हैंग करने के लिए। देखिए इस तरह से अब ये रोल्स जो होंगे आपके एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेंगे, वॉल्स में हैंग रहेंगे और यूज करना भी इजी रहेगा। अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, इस तरह के आपके पास बास्केट है, तो बस एस हुक को यूज कीजिए और अपने सारे यूटेंसिल्स को जो हैंग हो सकते हैं उन्हें हैंग कर दीजिए। इसमें आप अपने स्ट्रेनर्स और स्पून्स को हैंग कर सकते हैं, आप अपने कप्स को हैंग कर सकते हैं। तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइजर के नीचे में आप और एक्स्ट्रा स्पेस को यूटिलाइज कर पाएंगे। आई होप ये आइडियाज एंड हैक्स आप लोग के लिए यूजफुल होंगे अगर आप और चाहते हैं मैक्सिमम स्टोरेज आपके किचन में। तो चलिए आपके कमेंट का वेट करूंगी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।